नहीं सर, हल्का सा छोटा सा। हरे निशान हाँ में बंद हुआ, बिल्कुल तो इसका मतलब 8-10 दिन से ट्रेंड तो बहुत ही कमजोरी का है, तो वो खराब तो दिख ही रहा है, तकनीकी तौर पर खराब दिख रहा है। अब इन सबके बीच में एक सिल्वर लाइनिंग है जो अच्छी बात बताता हूँ यस। आपको, बेचने का है कमजोरी का है दोनों, नेस्टेक डाओ सब में राइट। एक तरफा बिकवाली कितना गिर गया, नेस्टेक ऊपर से 15% के आसपास 15% गिर, परसेंट हो ठीक है, गया, और डाओ भी 10% के आसपास तो गिर चुका ऑलमोस्ट है, 9% करेक्ट, था, 9-10% गिर चुका। तो ट्रेंड में नेगेटिव है। नेगेटिव है। एक चीज, चाहे वो अमेरिका के बाजार हो चाहे हमारे बाजार हो, जो ट्रेडर्स को स्पेशली और जो इन्वेस्टर्स बॉटम फिशिंग करने का मूड रखते हैं उनको जानने समझने की जरूरत है और एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। जब बहुत अचानक से तगड़ी वोलेटिलिटी होती है, बड़ी वोलेटिलिटी होती है, भारी उतार चढ़ाव होता है, वो ट्रेंड रिवर्सल का पहला संकेत होता है। करेक्ट, वॉलेटिलिटी वाली। आपको ट्रेंड रिवर्सल के लिए सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की एक्सट्रीम वोलेटिलिटी की, जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव जो कि हमारे यहां भी दिख रहा है वहां भी दिख रहा है। मार्केट मंदी का है दीप, कोई तो है चाहे अमेरिका में हो चाहे हमारे यहां एफआईज हो, जिसको बेच के जाना है, यस सर, ठीक है, बिल्कुल। रोज बेच रहे हैं, ठीक है, 15% अगर आपका नेस्डिक गिरा तो इसी वजह से गिरा है कि बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। यस सर, अगर आपका 18,350 से निफ्टी गिरकर यहां तक आया है तो कोई ना कोई एग्रेसिवली बेचे जा रहा है। अगर आपके लिए यहां एग्रेसिवली सेलिंग है, सेलिंग है, और अगर मैं बायर हूं, आपको बेचना है रोज और मैं बायर हूं, तो मैं क्या सोचूंगा, जाने दो दीप कल भी बेचेंगे, मैं जल्दी में क्यों लूँ, मैं आराम क्यों से करूँ। लूंगा। और दूसरी तरफ मेरे को लेना है तो मैं सोचूंगा अब ठीक है यार, ये भाव ठीक है, अब लेने का टाइम आ गया, जरूरी नहीं कि आप हमेशा बॉटम पे ही ले पाए, तो अब लेने का टाइम आ गया, करेक्ट। या फिर अब मैंने पैसा डालना शुरू किया आपकी सप्लाई कम होगी तो वो एकदम मिसमैच, से बाजार ऊपर आता है। करेक्ट। तब क्या होता है, ये जब बाजार ऊपर आता है तो एक ही बार में वी शेप नहीं हो जाता, यस सर, डब्लू डब्लू बनता थोड़ा वो है, वी नहीं रहेगा। बनता। ये जब 2-3 बार ये प्रोसेस होती है एक्सट्रीम वोलेटिलिटी की, तो वो इस बात की ओर संकेत देती है कि कोई एग्रेसिव सेलर है, उसके लिए खरीदारी के लिए सामने एग्रेसिव बायर भी आ रहा है, आ रहा है। इस लेवल पे कोई तो है जो खरीदना चाहता है। ये चीज अमेरिका के बाजार में दिख रही है, मुझे बाजार का ट्रेंड बिहेवियर उसकी मानसिकता समझ में आती यस है। सर, तो अमेरिका के बाजार कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे कि अगर एक आध दिन और नहीं गिरे ऊपर, दरों की शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ी, और जो गिरावट थी जो फर्स्ट हाफ में देखने को मिल रही थी उसको एक रेंज बाउंड मार्केट ने ट्रेड किया, और सेकंड हाफ तक आते आते एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मार्केट से बनते हुए दिखाई पड़ी, स्पेशली निफ्टी बैंक में जो कि आज ड्राइविंग सीट पर था। बढ़िया नंबर आए केनरा बैंक के, जिससे सपोर्ट शुरुआत हुई 12 बजे के आसपास से नंबर आया, उसके बाद SBI ने उसे लीड किया और धीरे धीरे पूरे बैंकिंग बास्केट में तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। उसके बाद वो तेजी फॉलो अप हुई ऑटो स्पेस में, और एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मारुति ऐसे शेयरों में देखने को मिली, जिसका भी इंपैक्ट रहा दिन के ऊपरी स्तरों बंद हुए। बिकवाली थी आज मिड कैप में, मिड कैप में भी आज F&O के जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें तेज बिकवाली थी, मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्पिरिट्स, मिसाल के तौर पे इंडिया बुल्स, हाउसिंग, रियल स्टेट, आप अपोलो हॉस्पिटल, जुबलेंट फूड, ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ पर तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। ऑब्वियसली बात है, F&O एक्सपायरी थी तो बहुत हद तक रोल ओवर के सिचुएशंस का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। कुछ जगहों पे शॉर्ट्स और शॉर्ट्स की शॉर्ट कवरिंग इंटेंसली होते हुए दिखाई पड़ी, कुछ जगहों पर जो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग है वो आते हुए दिखाई पड़ रही थी। मिसाल तौर पर अच्छे नंबर सुखजीत स्टार्ट्स किया है तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में भी उसका एक रिएक्शन देखने को मिला। अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूव मार्केट में थे, शुगर तेजी में था, टेक्सटाइल तेजी में था, सेलेक्टिव शेयरों में खरीदारी थी, तो सिलेक्टिव सेक्टर्स का कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा था। लेकिन हाँ, आज का जो पूरा मार्केट का मूव है वो आप कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के दम पर ही लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी, और बहुत कुछ कोई फायर वर्क मार्केट में नहीं है, बहुत कोई स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं देखने को मिल रही थी। सुबह पालविया साहब से बातचीत हो रही थी मेरी, तब उन्होंने कहा था कि 16,830 जो कल का लो था, यानी बीते सत्र का, उसके आसपास अगर मार्केट आता तो वहाँ से आप बाय करेंगे और वहाँ से एक पुल बैक आएगा, वो पुल बैक वहीं के आसपास 16,850 के लोज बने, वहाँ से घूमा और 17,100-17,200 के जोन से जहाँ से वो बे कह रहे हैं बिकवाली करे चलेंगे, तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन हाँ, बैंक्स जो हैं वो थोड़े बेटर साइड पे, ज़्यादा बेटर पोजीशन इस समय फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं बाकी इंडेक्स के कंपैरिजन में। अच्छा, ये पूरी सीरीज कमजोर रही, निफ्टी 0.5% के आसपास टूटा, निफ्टी बैंक हालांकि चला 8-8.5%, और PSU बैंक उससे ज़्यादा 8.5% के आसपास बढ़त वहाँ पर रही। PSU सेक्टर्स में तेजी थी, ऑटो में तेजी थी, बिकवाली IT में लगातार जारी है, 13% ये सेक्टर टूट चुका है इस पूरी सीरीज में। ऑब्वियसली बात है, 55% की तेजी के बाद थोड़ी बहुत बिकवालियाँ बनती भी है तो वो देखने को मिल रही थी। मेजरली अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है मैप माई इंडिया लॉन्ग टर्म व्यू। मिश्रा साहब, क्लाइंट अच्छे हैं, हुंडई, MG,
जैसे क्लाइंट्स हैं इनके पास, मार्जिन भी ठीक ठाक है, लेकिन पहली चीज़ किसी भी आईपीओ में जो 2021 में आया है, ऐसा कोई आईपीओ नहीं है जो ओवर प्राइस ना हो, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ। तो ओवर प्राइस माल कभी नहीं लेना चाहिए, वन। दूसरा, थोड़ा दिखा लेने दीजिए अपना जौहर जो भी है, एक बड़ी तेज़ी दिखाई है ना पूरे सेक्टर ने, पूरे आईपीओ मार्केट ने, तो ज़रा दो चार क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, अपने आप ही सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कौन कितना बेहतर है कितना बेकार। तो ज़रा सिचुएशंस आ जाए, नंबर्स आ जाए, उनके बाद कॉल लीजिए किसी भी को। ऐसा तो है नहीं कि कल ये मिलेगा नहीं, परसों ही मिलेगा नहीं, एक साल बाद नहीं मिलेगा, दो साल बाद नहीं मिलेगा। नंबर आएंगे तब भी मिल ही रहा होगा ना, तब ले लीजिएगा, कहाँ भागा जा रहा है। थोड़ा नीचे मिलेगा, थोड़ा ऊपर मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट सिचुएशन क्लियर होने के बाद मिलेगा। तो इतनी पैनिक में लेने की ज़रूरत नहीं है, आ जाने दीजिए, नंबर्स दो तीन क्वार्टर के परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी इसमें आउटराइटली मत उतरिए।